अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक। तो क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक उसने हमें कहा है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है व्हेन रोटेशन, व्हेन योर आर, आर मींस योर रीजन इज रोटेटेड अबाउट द लाइन। हमारी जो 5.3 है उसमें हमने देखी है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस और रोटेशन अबाउट लाइन। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था एक्सरसाइज 5.3 का, उसमें बताया है कि आपने रोटेशन अबाउट द लाइन कैसे फाइंड करनी है। अगर आपका जो रीजन है, जो भी आपका रीजन मींस ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का एक पोर्शन आना है, एक वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का पोर्शन आना है, ये जो आपका रीजन है ये आपके पास अबाउट द लाइन कैसे रोटेट करेगा, अबाउट एक्स एक्सिस कैसे रोटेट करता है, अबाउट वाई एक्सिस कैसे रोटेट करता है, अबाउट द लाइन आपके पास कैसे रोटेट करता है। तो देखें जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है अबाउट व्हेन द रोटेशन, व्हेन योर रोटेशन इज अबाउट द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होती है, एक तो ये बताइए मैंने आपको, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। एक आपके पास लाइन की इक्वेशन ये भी होती है एक्स प्लस बी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है, ये उसने दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये यहाँ 2 प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आप बेशक इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, आपका m यहाँ पे 1 है, आपका c यहाँ पे माइनस 2 है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये x माइनस 2 भी क्या बन जानी, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जानी। ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है ना, m यहाँ 1 है, c यहाँ माइनस 2 है, तो ये बेसिकली इसी फॉर्म में लिखी हुई है। अगर ऐसे नहीं समझ आती छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। आपके पास ये तो पता है ना लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख लें, ए आपका 1 है, बी आपका माइनस 2 है, तो ये जो है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही है। तो आपने बस देखना है आपको जो उसने इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है वो एक्स वेरिएबल में है कि वाई वेरिएबल में। अगर एक्स वेरिएबल में आपकी थिकनेस भी एक्स वेरिएबल में चले जानी है, आपका एवरेज रेडियस भी एक्स वेरिएबल में चला जाना है, आपका आल्टीट्यूड भी एक्स वेरिएबल में चला जाना है। तो देखें जी, थिकनेस मैंने लिख दी डी एक्स, एवरेज रेडियस क्या होगा, जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी वही आपका एवरेज रेडियस हो जाएगा। क्यों? देखिए, रेडियस आपके पास लेंथ है, रेडियस आपके पास लेंथ है, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 18 तक थे उसमें हमने एवरेज रेडियस या एक्स लिखा था या वाई लिखा था। तो बच्चों, एक्स और वाई क्या है, एक्स भी आपके पास एक्स एक्सिस का ही कोई पॉइंट है ना, वाई आपके पास वाई एक्सिस का कोई पॉइंट है, तो एक्स भी आपके पास लेंथ है, वाई भी आपके पास लेंथ है, रेडियस क्या है वो भी आपके पास लेंथ है। तो जब आपने एवरेज रेडियस लिखा तो मैंने कहा कि वो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ही आ जानी है। एक्स माइनस टू क्या है, एक्स माइनस टू भी आपके पास एक लेंथ है। आपको मैं कहती हूँ एक्स आपका 5 है, 5 में से 2 निकाल दे 3 आ जाना है, तो 3 क्या है, लेंथ नहीं है। 3 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर क्या है, वो भी आपके पास लेंथ है। तो आपका एवरेज रेडियस क्या होगा, जो बेसिकली आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी वही आपका एवरेज रेडियस होगा। थिकनेस भी dx में चली गई, एवरेज रेडियस भी x वेरिएबल में चला गया। अब आपने आल्टीट्यूड भी x वेरिएबल में लिखना है। x वेरिएबल में लिखने का मतलब है आपने यहाँ से y को इलिमिनेट करना है। पहली इक्वेशन आपके पास आनी है y इज इक्वल टू 3 माइनस x, दूसरी इक्वेशन आनी है y इज इक्वल टू 3 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अरेंज करके लिख लिया ना मैंने, y को खत्म करना है। ये भी चीज़ y की इक्वल है, ये भी चीज़ y की इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि 3 माइनस x आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 माइनस x के स्क्वायर के। अब ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, आल्टीट्यूड मिल गया। अब आपकी थिकनेस भी एक्स में, एवरेज रेडियस भी एक्स में, आपका आल्टीट्यूड भी एक्स में, तो आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो देखें जी, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख लें, इसको 0 के इक्वल रखा, ये मैंने पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख ली है, फिर मैंने माइनस एक्स वाली लिख ली है। यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, मैंने एक्स की पावर 1 कॉमन कर ली, अंदर कितनी रह गई, एक्स की पावर 1 रह गई माइनस, यहाँ एक्स की ए की पावर है वो बाहर चली गई, यहाँ क्या रह गया 1 रह गया, तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहली 0 होनी है, दूसरी 0 होनी है। यहाँ से आपके पास आ गया एक्स, या तो 0 होगा या आपका एक्स माइनस 1 0 होगा। तो आपको लिमिट मिल गई एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट भी मिल गई है आपको, 2 पाई लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, आपका एवरेज रेडियस, आल्टीट्यूड आपका माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, थिकनेस आपकी डी एक्स है। उसने क्वेश्चन में कहा है सेट अप द इंटीग्रल, आपने इंटीग्रल सेट कर दिया, इंटीग्रेट कर देंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, इसकी इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं है, 2
वाई बाहर चला जाना है, इस एक्स को पहले आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब तक हमारे जितने लेक्चर्स हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इंटीग्रेशन जो है आपके लिए कोई मसला रहा होगा। बुक के पीछे आंसर उसने इस शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसके बाद एवरेज रेडियस लिखते हैं, एवरेज रेडियस आपका x माइनस 2 है, आल्टीट्यूड की जगह पे उसने ये लिखा हुआ है और थिकनेस आपकी dx है। आप देखें ये चीज़ उसने कैसे लिखी हुई है, उसने सिंपली क्या किया है, एक इक्वेशन आपके पास ये आई थी, दूसरी ये आई थी, उसने क्या किया, लिखा है 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का, जब आप इस साइड पे लेकर आए तो माइनस हो जाएगा। उसने अपने आल्टीट्यूड को सॉल्व नहीं किया, उसने इस तरह से लिख दिया 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि उसने सिर्फ इंटीग्रल ही सेट करने को कहा है, तो आप बेशक उसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, बेशक इस फॉर्म में लिख लो, कोई मसला नहीं है, इंटीग्रेट करोगे आंसर सेम ही आना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी ना, फिर ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाना है, तो आपके पास यही चीज बन गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 24 है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। आपने जल्दी से यहां पे देख लेना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो बननी है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास बननी है वो किस वेरिएबल में है, y में, इसका मतलब थिकनेस भी y में जानी है, एवरेज रेडियस भी y में जाना है, आल्टीट्यूड भी y में जाना है, ठीक है। अब ये देखें क्या बनता है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे है। देखें आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन पीछे मैंने लिखी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, अब मैंने लिख दिया ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन की होती है वो क्या होती है कि वेरिएबल की पावर 1 हो, जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर 1 हो। तो आप देख लो वाई की पावर, वाई वेरिएबल यूज हो रहा है ना उसकी पावर क्या है 1, अगर आपकी इक्वेशन एक्स में दी हुई है तो एक्स वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है मेरी वाई की पावर 1 है, और पिछले क्वेश्चन में मुझे पता लग रहा था कि मेरे एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब है कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वही आपका एवरेज रेडियस है, तो वाई माइनस 3 मेरा एवरेज रेडियस आ गया। अब मैंने आल्टीट्यूड निकालना है, ये भी y में ये भी y में, तो मेरा आल्टीट्यूड भी y में जाना चाहिए, y में जाना चाहिए मतलब मैंने x को इलिमिनेट करना है। तो देखें जी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, मैंने इसमें से x को इलिमिनेट करना है, तो ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, ये y यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया। देखिए मुझे x की वैल्यू मिल गई है 1 प्लस y, x की जो मुझे वैल्यू मिल गई वो मैंने यहाँ पुट कर दी x की जगह पर, स्क्वायर खोल लें 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ माइनस हो रहा है, जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर 2y प्लस वाई 3y। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख दें, इसको 0 के बराबर रखेंगे, आपके पास यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर वाई प्लस 3 बचेगा, एक दफ़ा आपका वाई 0 हो जाएगा, एक दफ़ा आपका वाई माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आपके पास क्या जाएगी, 2 पाई एवरेज रेडियस इनटू आल्टीट्यूड इनटू थिकनेस। तो एवरेज रेडियस आपका वाई माइनस 3 था, आल्टीट्यूड आपका आया वाई स्क्वायर प्लस 3y, तो मैंने ये वाली फॉर्म लिख दी है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, इनटू dy। ये लिमिट आपकी जानी है 0 से लेकर माइनस 3 तक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये लिमिट आपकी जानी है 0 से लेकर माइनस 3 तक। तो नीचे तो लोअर लिमिट माइनस 3 हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, छोटी वाली नीचे लिखते हैं बड़ी वाली ऊपर लिखते हैं, तो माइनस 3 से 0 जानी है आपकी लिमिट। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वैसे तो आप इंटीग्रेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ इंटीग्रल सेट करने को कहा है, तो ये आपका इंटीग्रल सेट हो गया। अब ये लिमिट में क्योंकि मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये माइनस 3 से 0 जानी है, माइनस 3 से 0 जानी है, फिर यहाँ साथ 2 नहीं आएगा, यहाँ मैंने साथ 2 कैसे लिखा था, मैंने गलती से लिख दिया माइनस 3 से 3। तो जब आपके पास लिमिट माइनस ए से ए जाती है, तो या तो आप माइनस ए से ए इंटीग्रेट कर लें, या आप अपनी लिमिट को 0 से लेकर ए तक ले लें और साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो वो 2 मैंने उस ऊपर वाली लिमिट के हिसाब से लिखा था, पर वहां तो मिस्टेक है, माइनस 3 से 0 जानी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे साथ 2 नहीं आना, ठीक है।
लिमिट आपकी जानी है माइनस थ्री से जीरो। लिमिट पुट करने में तो कोई मसला नहीं है, आप बस देख लें कि इंटीग्रेट कैसे करना है। ये देखें टू वाई, ये वाई कॉन्स, वाई मैंने पहले लिख लिया, वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री बाद में लिख लिया। ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाली शक्ल बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी। ये देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए का मतलब है पहली टर्म, बी का मतलब है दूसरी टर्म। ए का मतलब है पहली टर्म, बी का मतलब है दूसरी टर्म। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर लेना है माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेना है। पहली टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर नाइन। तो ये आ जाएगा वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस नाइन। अब आप इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब, इस वाई को नाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नाइन वाई। टू पाई कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें। अब ये याद रखिएगा यहाँ टू पाई ही रहना है, क्योंकि ये टू नहीं आना था साथ। ये वाई क्यूब माइनस नाइन वाई है, तो इसको आपको पता है इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड, इधर भी पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड। उसके बाद लिमिट आपने पुट कर देनी है माइनस थ्री से लेकर जीरो तक। तो देखें अब आप अपर लिमिट पुट करें ना करें कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट आपकी क्या है, अपर लिमिट आपकी जीरो है। जब आप यहाँ वाई की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो सारा जीरो ही हो जाना है। देखिए ना वाई की पावर थ्री है, पावर में एक ऐड किया फोर बन गई ओवर फोर, पावर में एक ऐड किया टू बन गई ओवर टू। आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उसे डिवाइड कर दिया। लिमिट आपकी जानी है माइनस थ्री से जीरो। जब अपर लिमिट आपकी जीरो हो जाएगी तो अपर लिमिट तो पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है, आपने बस लोअर लिमिट पुट करनी है और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू फाइव। यहाँ से देख लें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस फाइव, जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है वही आपका एवरेज रेडियस है। तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वेरिएबल में दी हुई है, आपकी थिकनेस भी एक्स वेरिएबल में जानी है, आपका एवरेज रेडियस भी एक्स वेरिएबल में जाना है, आपका आल्टीट्यूड भी एक्स वेरिएबल में जाना है, ठीक है। थिकनेस आपकी डी एक्स होगी, एवरेज रेडियस आपका एक्स माइनस फाइव हो गया। आल्टीट्यूड देखें कैसे निकालेंगे, आल्टीट्यूड भी आपका एक्स में जाना है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से वाई को खत्म करना। तो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपको वाई की वैल्यू क्या मिल गई, वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप पीछे क्वेश्चन में ये देख कर आए हैं कि आपका वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और यही आपका आल्टीट्यूड होता है, यानी जो आपका वाई बनना है वही आपका आल्टीट्यूड बनना है। तो ये जो मेरा वाई बना है ये मेरा आल्टीट्यूड है, तो क्या ये आल्टीट्यूड मेरा एक्स वेरिएबल में आ रहा है, जी बिल्कुल एक्स वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है। थिकनेस भी एक्स वेरिएबल में, एवरेज रेडियस भी एक्स वेरिएबल में और आपका आल्टीट्यूड भी एक्स वेरिएबल। अब आपने सिर्फ लिमिट फाइंड करनी है, तो आल्टीट्यूड को जीरो के बराबर रख दें, आपको लिमिट मिल जाएगी, प्लस माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस वन से वन लिमिट जा रही है, टू पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। एवरेज रेडियस आपका एक्स माइनस फाइव है, आल्टीट्यूड आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया है, थिकनेस आपकी डी एक्स है। अगेन ये लिमिट माइनस वन से वन जा रही है, तो कैलकुलस का रूल है कि जब आपके पास अपर और लोअर लिमिट सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो, तो आप लिमिट को जीरो से वन तक लिखते हैं और साथ टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर यहाँ वन हो। अगर यहाँ माइनस टू से टू होता तो लिमिट जीरो से टू जानी थी, साथ टू मल्टीप्लाई हो जाना था, ठीक है। टू बाई एक्स माइनस फाइव इंटू वन माइनस एक्स के। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज होनी है, बाई पार्ट्स भी लगनी है। आप लोग क्योंकि माइनर के बच्चे हैं तो आप लोग अगर इस इंटीग्रल को यहीं पे छोड़ देंगे कोई मसला नहीं, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में उसने कहा है सेट अप द इंटीग्रल, आपने सिर्फ इंटीग्रल सेट करना है, सेट हो गया देन इट्स ओके। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी इंटीग्रेशन कितनी लंबी है। ठीक है, तो आप लोग माइनर के स्टूडेंट्स हैं, इसमें काफी जो है टेक्निकल चीज़ें यूज होनी है इंटीग्रेशन करते हुए, सब्स्टिट्यूशन भी यूज होनी है, बाई पार्ट्स भी यूज होनी है, तो आप लोग उसको रहने दो, उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, उसने कहा है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर टू बाई थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू माइनस वन। चलें जी यहाँ से देख लें, इक्वेशन ऑफ लाइन वाई वेरिएबल में दी हुई है, तो आपका थिकनेस भी वाई में जानी है, एवरेज रेडियस भी वाई में जाना है, आल्टीट्यूड भी वाई में जाना है। वाई में जाने का मतलब है मैंने यहाँ से एक्स को खत्म करना है, ठीक है। थिकनेस आपकी डी वाई, जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है वही आपका एवरेज रेडियस है, आप देखें आल्टीट्यूड कैसे निकालना। वाई दिया हुआ एक्स की पावर टू बाई थ्री और वाई दिया हुआ एक्स का स्क्वायर,
ठीक है, इसको मैंने लिख लिया एक्स के ऊपर स्केयर है और बाहर पावर है 1/3, तो देखें एक्स का स्केयर किसके बराबर है, वाई के। इस एक्स स्केयर की जगह मैंने वाई पुट कर दी, तो मेरे पास क्या बन गया, वाई माइनस वाई की पावर 1/3, ये आपका आल्टीट्यूड आ गया। अब लिमिट निकालनी है, तो लिमिट कैसे निकालना है कि आपने आल्टीट्यूड को जीरो के बराबर रख लो। अब ये पावर 1 है, ये पावर 1/3 है, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो 1 छोटा है कि 1/3 छोटा है, 1/3 छोटा है, तो y की पावर 1/3 मैंने कॉमन कर ली। अब देखो इसमें से ये y की पावर 1 है, इसमें से 1/3 तो मैंने बाहर निकाल दी है, बाकी कितनी बच गई, तो 1 में से 1/3 माइनस करके देख लें बाकी कितनी बच गई, तो 2/3 बचती है मेरे पास। फिर सुन लें, छोटी पावर कॉमन करते हैं, 1 छोटा है कि 1/3, 1/3 छोटा है, तो y की पावर 1/3 मैंने कॉमन कर ली। अब इस सारे में से मैंने 1/3 कॉमन की है, तो यहाँ लिखा हुआ है y की पावर 1, इस y की पावर 1 में से मैंने 1/3 तो बाहर निकाल दिया, तो बाकी कितनी बच गई, उसमें से 1/3 माइनस करके देख लो बाकी कितनी बच गई, बाकी आपके पास 2/3 रह गई, माइनस y की पावर 1/3 बाहर चला गया, यहाँ 1 रह गया। अब एक दफ़ा आपके पास ये जीरो है, एक दफ़ा आपके पास ये जीरो है, तो यहाँ लिखा हुआ है y की पावर 1/3 इज इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ आप पावर 3 ले लें तो वो 3 से कट जाएगा, 0 की पावर 3 लेंगे तो आंसर 0 ही आ जाना है। ये लिखा हुआ है y की पावर 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आपके पास आ गई y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। आपको लिमिट y की चाहिए, y की पावर 2/3 की नहीं चाहिए, तो ये पावर 2/3 कैसे खत्म करेंगे, दोनों तरफ पावर 3/2 ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा 1 की, तो जितनी मर्जी पावर ले लें आंसर 1। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली गई, 0 से लेकर 1 तक, ये लें जी लिमिट आपकी चली गई है 0 से 1 तक 2π, ये आपका एवरेज रेडियस था, ये आपका आल्टीट्यूड है, 2π कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाना है, आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 y माइनस y की पावर 1/3, मल्टीप्लाई कर दें y को इसके साथ, मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1/3 है, जब आप y को y की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 में 1/3 प्लस कर ले, आपके पास 4/3 बन जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई किया y, 1 को y की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किया y की पावर 1/3 आ गई। अब इंटीग्रेट करने में तो कोई मसला नहीं है, आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर को छोड़ के देखें y का, ये आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर को छोड़ के देखें y का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, y का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर को छोड़ के देखें y का आगे डेरिवेटिव है, तो सिंपली आपने पावर में एक प्लस करना है, उसी से डिवाइड कर दें, लिमिट आपकी जा रही है 0 to 1। अगेन आपको लोअर लिमिट पुट करने का तो कोई फायदा नहीं है, आपने सिर्फ अपर लिमिट पुट करनी है, जहाँ जहाँ वाई आ रहा था उसकी जगह पे 1 पुट कर दें, जहाँ जहाँ मेरा वाई बन रहा था मैंने उसकी जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ 1 आना है, ठीक है। ये बन गया 1/3, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में फिर एक नंबर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये लें जी ये न्यूमिनेटर में चला गया, ये 1/2 है, ये फिर 3 जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमिनेटर में चला गया। अब आपको पता है बच्चों 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें आंसर 1 ही रहना है, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 3/7 प्लस 1/2 माइनस 3/4, 4, 2, 3, 7 का एलसीएम ले लें, 2, 2 = 4, 4, 3 = 12, 12, 7 = 84, तो आपका एलसीएम आ गया 84, 84 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 84 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 84 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 84 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 = 3, 3 = 26 = 84, तो यहाँ 26 आ गया, 7 1 = 7, 7 = 12 = 84, 12 3 = 36, 2 1 = 2, 2 = 42 = 84, तो 42 1 = 42, 4 1 = 4, 4 21 = 84, तो 21 3 = 63, इसको प्लस माइनस कर लें आपके पास आ जाएगा, ये मैंने प्लस 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 26 में 42 प्लस किया 68, माइनस माइनस प्लस 63 में 36 प्लस किया 99, साइन बड़ी वैल्यू का, अब आप 68 में से 99 माइनस कर दें आपके पास आ जाएगा 31/84, अगेन वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2π × 31/84, 2 1 = 2, 2 = 42, तो ऊपर 31π बचा, नीचे आपके पास 42 बचा, यही आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो वाइंड अप हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ लग गई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।